बहुत ही उस पर विवाद ये हो हमने रहा पहले था। ही कहा था कि मौजूदा सरकार की मनेठी एम्स को लेकर नियत हमें पिछले 9 साल से हम कहते आए कि ठीक नहीं है। पिछली बार चुनाव, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले कैबिनेट का फैसला करवाया गया और 9 साढ़े 9 साल हो गए, 10 साल हो गए केंद्र सरकार को तो, और घोषणा को 9 साल 9.5 साल हो गए। बिल्कुल चुनाव से पहले उसका फाउंडेशन रख रहे हैं, तो यानी कि चुनाव के अंदर इसका लाभ लेने का एक नियत दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार, मैं बाकी किसी की नियत को इसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता इसे, लेकिन प्रदेश सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार की नियत मनेठी की एम्स को लेकर सही नहीं थी ना। तो ये तो एक दिन में जमीन का स्थानांतरण होना चाहिए था, किसी अफसर को जिम्मेदारी, स्पेशल टास्क बना के जिम्मेदारी देते, एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में हो जाता। लेकिन ये 9.5 साल क्यों लगे, इनका कार्यकाल क्यों पूरा हो गया, कार्यकाल के अंत में दी जा रही जो है जमीन केंद्र सरकार से। जब भी हम पूछते थे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से, मैंने स्वयं सवाल पूछा संसद के अंदर, हमेशा जवाब देता था कि हरियाणा सरकार का लचर रवैया दिखाई दे रहा है और जमीन अभी तक मिली नहीं। तो पूर्णतः एम्स मनेठी में जो देरी हो रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, 10 साल तक आपने जमीन ही नहीं दी केंद्र सरकार, तो प्रदेश की सरकार है खट्टर दुष्यंत सरकार है। इस सरकार की जो है नियत, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस सरकार की नियत इस एम्स मनेठी को लेकर ठीक नहीं थी। केवल इससे राजनीतिक फायदा कैसे किसी और को ना मिल जाए, उनके अलग अलग उनकी कैलकुलेशन रही होंगी, क्या था वो मैं समझता हूँ भाजपा की अंदरूनी राजनीति को लेकर आप समझ सकते हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान पूरे प्रदेश के लोगों का हुआ। आपने कहा बीजेपी सरकार अहंकारी सरकार, वो तो कह रहे काफी विकास हमने किया हर तरह से समाज हमारी तरफ देखिएगा, वो तो वो कह रहे हैं ना, आप तो वो चलाओ जो हम कह रहे हैं। ये केवल हरियाणा आज के दिन बेरोजगारी में नंबर एक नहीं बना, केवल महंगाई में ही नंबर एक नहीं है आज, हरियाणा नशे में नंबर एक नहीं बना है सरकार ने, हरियाणा केवल विकास की पटरी से नहीं उतारा, लेकिन सत्ता रूढ़ लोगों के अहंकार में भी हरियाणा नंबर एक बन गया इस सरकार में। आज इतना अहंकार सत्तारूढ़ दल में आ गया है, और जो आप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मंडल के सारे मंत्रियों के आप बयान देखें, तो आज वो बयान मैं समझता हूँ कि आप ऐसा बयान है कि आप जो है मतलब कहीं पूरे देश में इतना अहंकार किसी सरकार में नहीं बढ़ा। कितने उदाहरण आपको दे सकते हैं, आप कहो कितने उदाहरण दें आपको। अभी मुख्यमंत्री जी जनसंवाद में एक महिला ने कहा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगवाओ, मुख्यमंत्री जी ने कहा चंद्रयान पे बिठा के इनको चांद भेज दो। एक सिरसा में एक किसान ने कहा पानी नहीं आ रहा, बोला इसकी उठा के पिटाई करवाओ, ये शब्द है मुख्यमंत्री जी के मंच से। एक ने कहा कि नशे से मेरा बच्चा चला गया 22 साल का, बोला इसको उठा के बाहर फेंकवाओ। कभी कह रहे हैं कि ये जो सारे जो सिक्योरिटी वाले हैं जो मेरे साथ, ये उठा के बाहर फेंकवा सकते हैं। हमारी भी सरकारें रही होंगी, सिक्योरिटी गार्ड हमने तो लिया भी नहीं हमारे सरकार में, किससे धक्का, किसी को मरवाने की बात, हमने धक्के खाए होंगे लेकिन जनता का भी अपमान नहीं किया होगा। इसी तरीके से आप देखो हर इनके एक एक मंत्री का बयान देखो, किसने जो है अहंकारी बयान, अहंकारी बोल भाजपा के सारे मंत्रियों के प्रदेश में है, उनका देश में कोई और। तो आप देखे जो एक हमारे पहले खेल मंत्री होते थे, उन पे एक आरोप लगा, बयान आया कि इनको नहीं हटाएंगे कैबिनेट से, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, इतना अहंकार। जब हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको किसी ने एक को इनकी ने ये भी नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलवाएंगे जो है। जब किसान का प्रदर्शन कर रहे थे तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या बोलते, ये अहंकार, अहंकार मनुष्य का वो दुश्मन है। ये रामायण हमें बताती है कि जो मनुष्य को भीतर बैठ के मारता है, भीतर बैठ के मनुष्य को का नुकसान करता है, इनके अंदर अहंकार घुसता है।